कोई अपराध का पीड़ित है और अपराध से पीड़ित होने के कारण, जैसे मान लो कोई कमाने वाले की हत्या हो गई या कोई व्यक्ति कमाता है, मान लो पेंटिंग ही करता है, उसका हाथ ही काट दिया किसी उसमें अपराध में, तो अब वो कैसे कमाएगा खाएगा? तो उसको कोई आर्थिक हानि हुई हो और तुरंत सहायता की आवश्यकता है, आर्थिक सहायता की, और कहीं से सहायता नहीं मिली हो, तो ऐसे लोगों को राजस्थान पीड़ित पितृ स्कीम के तहत 2011 के तहत सहायता देने का प्रावधान है। तो आप हमारे आवेदन कर सकते हैं जिसमें थानेदार या न्यायालय की अनुशंसा चाहिए और अपने खाते की डिटेल, एफिडेविट वगैरह, एक प्रफॉर्मा है उसको भर के दे देता है, तो हमारे राजस्थान पीड़ित पितृ में अंतिम और अंतरिम, इंटरिम पितृ भी तत्काल भी चाहिए तो अधिकतम राशि का 25%, और अगर फाइनल जब निर्णय हो जाएगा और आप पूरा मुकदमे में अभियोजन का सपोर्ट करेंगे, मतलब समर्थन करेंगे, तो आपको संपूर्ण राशि देने का प्रावधान है। तो आप राजस्थान पीड़ित पितृ स्कीम के तहत भी लाभ ले सकते हैं। एक हमारे स्थायी लोक अदालत चलती है, स्थायी लोक अदालत में एक जिला न्यायाधीश स्तर के रिटायर्ड जज साहब होते हैं, उसके अध्यक्ष हैं। आप जनोपयोगी सेवाएं जैसे नल, बिजली, पानी है ना, यातायात के साधन है, बीमा है, कोई ये बैंक है या कोई भी ये ऋण प्रदान करने वाली NBFCs हैं या फाइनेंस कंपनियां हैं, इनसे संबंधी कोई जनोपयोगी सेवाएं जो 11 हैं, रसोई गैस आदि, ये नोटिफाइड कर रही है राजस्थान सरकार ने, उन मुकदमों को आप हमारे स्थायी लोक अदालत में ले जा सकते हैं। वहाँ कोई कोर्ट फीस नहीं लगती, आपने दी, सामने वाले से जवाब देंगे, आपका शपथ पत्र, आपके दस्तावेज लिए जाएंगे, सामने वाले का शपथ पत्र, सामने वाले के दस्तावेज लेकर के जज साहब उसको पढ़ करके फैसला देते हैं। इसमें भी पंचायत जारी होता है, इसकी भी अपील नहीं होती, रिट के जरिए ही चैलेंज होता है और बहुत